ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में एनिमेशन टैब के बारे में हम सीखेंगे कि एनिमेशन टैब के माध्यम से एरोप्लेन को हम कैसे मूव कराते हैं, प्लस कार को कैसे मूव कराते हैं एक साथ, और प्लस एनिमेशन टैब के अंतर्गत हम ट्रिगर वाले आसन के भी बारे में सीखने वाले हैं। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना करके दिखाया है, ये स्ट्रक्चर हम एमएस पावर पॉइंट में हम कैसे बनाएंगे वही आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। देखिए इसके लिए क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ से आप कंट्रोल प्लस सी एम से एक नया स्लाइड यहाँ ले लीजिएगा, ब्लैंक स्लाइड, ठीक है। स्लाइड को लेने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, सबसे पहले मैं मतलब यहाँ पे गूगल क्रोम पे आकर के, और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, रनवे इमेज। यहाँ पे रनवे इमेज जो है डाउनलोड कर लेना। देखिए इससे बहुत सारा रनवे का फिगर आ जाएगा, इसमें से कोई भी एक रनवे का फिगर आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए इससे बहुत सारा रनवे का इमेज दिया हुआ है, कोई सा भी एक इमेज, जैसे कि ये वाला मैंने ले लिया, राइट क्लिक करके इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा कहीं पे लोकेशन देख करके, ठीक है। इसके बाद से आप यहीं पे आ जाइएगा एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड पे, और यहाँ पे चूंकि इंसर्ट पे मत आइएगा, चूंकि इंसर्ट पे आप आ जाएंगे तभी इंसर्ट करा सकते हैं उस इमेज को, लेकिन उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप डिजाइन टैब पे आइएगा और यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करिएगा, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पिक्चर एंड टेक्सचर, इसी पे क्लिक करिएगा, फाइल पे आ जाइएगा। फाइल पे आने के बाद यहाँ पे आपने इमेज कहाँ पे सेव करके रखा है, तो डेस्कटॉप पे, और यहाँ से इमेज को आप इंसर्ट करा लीजिएगा, जैसे कि मैंने जो है ये वाला इमेज मैंने इंसर्ट करा लिया, ठीक है। इंसर्ट कराने के बाद अब यहाँ पे आपको करना क्या है, एरोप्लेन का भी यहाँ पे आपको फिगर इंसर्ट कराना, तो पुनः गूगल क्रोम पे आ जाइएगा और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा एरोप्लेन इमेज। देखिए इससे बहुत सारे एरोप्लेन आ जाएगा, इसमें से कोई भी एक मतलब यहाँ पे लेना है आपको एरोप्लेन, यहाँ से जैसे कि मैंने यही वाला एरोप्लेन ले लिया, राइट क्लिक करके सेव इमेजेस पे आइएगा और इसकी बैकग्राउंड आप हटा दीजिएगा, जेपीजी में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जेपीजी में होना चाहिए। देखिए जी में है, इसको भी मैंने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एयरप्लेन। डाउनलोड करने के बाद यहीं पे जस्ट इसके बारे में मैंने आपको बताया था रिमूव बीजी के बारे में, यहीं से सर्च कर लीजिएगा रिमूव बीजी, रिमूव बीजी और एंटर करिएगा, इससे रिमूव बैकग्राउंड करके ऑप्शन आ जाएगा, इस पे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद अपलोड इमेज पे यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इमेज को डाउनलोड कर, जो आपने डाउनलोड किया है इसको आप ओपन करा लीजिएगा, यहाँ पे आपको एरोप्लेन वाला इमेज मिल जाएगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ से बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बैकग्राउंड हटाने के बाद तब जाके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जब डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद से आपको पावर पॉइंट के स्लाइड पे आना है और आपको इंसर्ट टैब पे आना है और यहाँ से पिक्चर आपको ले लेना, और ये पिक्चर आपको मिलेगा कहाँ पे, डाउनलोड में, क्योंकि मैंने उसकी बैकग्राउंड हटाया है ना, तो जब बैकग्राउंड हटाया डाउनलोड किया है तो किस में मिलेगा, डाउनलोड वाले ऑप्शन में मिलेगा, अब यहीं पे सबसे टॉप में दिया हुआ है, इस पे क्लिक करिएगा, इंसर्ट करा लो। जब ये फिगर इंसर्ट हो जाएगा तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका कुछ अलग ही लोकेशन दे दीजिएगा जहां पे आप इसको रखना चाहते हैं, छोटा बड़ा अपने हिसाब से यहाँ से कर लीजिएगा, यहाँ से देखिए। इसके बाद से आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से तो एरोप्लेन आ गया ना, अब इसके बाद एक आपको जो है कार का भी फिगर आपको ले लेना, वही कार जो मैंने आपको डाउनलोड करना बताया था, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा कार को, और यहाँ से कोई कार भी आप ले लीजिएगा उसी कार को, और प्लस दोनों एक साथ आपको मूव कराना है, यानी कि कार और प्लेन को एक साथ आपको मूव कराना है, तो यहाँ दोनों ऑप्शन को सिलेक्शन कर लीजिएगा फिर जाके मूव कराइएगा। मैंने कार भी इंसर्ट करा ली, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं,
इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे लेके आ जाएंगे। दो इमेज आ गया ना, एक जो है कार का भी इमेज आ गया प्लस एक प्लेन का भी इमेज आ गया। इस पे क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद अब चूंकि प्लेन की बारी है, प्लेन को आपको उड़ाना है, तो भी टॉप साइड में उड़ाना है, ऊपर की साइड में उड़ाना है आपको। तो इसके लिए आप एनिमेशन टैब पे आइएगा। कहाँ पे आना है? एनिमेशन टैब पे आना है, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पे क्लिक करिएगा, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मोर मोशन पाथ के नाम से, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यहां से आपको लेना है डायगोनल अप। क्या लेना? डायगोनल अप लेकर के ओके कर लीजिएगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रेड कलर का ऐसे सिंबल मिलेगा, ऐसे एरो भी बनता हुआ दिखाई देगा। इसी को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, मतलब इसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको बाहर भेज दीजिएगा। अब ये घूमते घूमते बाहर चला जाएगा, और प्लस यहाँ से ऑन क्लिक को हटा के विद प्रीवियस ले लीजिएगा, और यहाँ पे इसकी टाइम दे दीजिएगा कि आप इसको कितना टाइम तक मूव कराना चाहते हैं। मैंने 4 सेकंड का टाइमिंग दे दी। पुनः आप इसको सिलेक्शन करिएगा कार को, अब कार को तो राइट साइड में मूव कराना होगा ना, तो पुनः आप एनिमेशन टैब पे आइएगा, और यहाँ से आ जाइएगा सबसे पहले मोर मोशन पाथ पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक आपको मिलेगा राइट वाला, यहाँ से राइट ले लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। अब इसको भी बस यहाँ पे रेड कलर का जो सिंबल मिलेगा, इसी पे कर्सर लेके जाएंगे तो ऐसे एरो टाइप का बन जाएंगे, इसी को ऐसे घुमा करके यहाँ तक लेके आइएगा रोड पे, ठीक है। और यहाँ पे लाने के बाद ऑन क्लिक को हटा के विथ प्रीवियस ले लीजिएगा, इसमें टाइमिंग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, जो भी टाइमिंग आपको देना है, ठीक है ना। अब जैसे ही शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो ये देखिए कार और प्लेन एक साथ मूव करता हुआ दिखाई दे, ठीक है। इसमें अगर आप बर्ड का भी सिंबल डालना चाहते हैं तो इसके लिए आप गूगल क्रोम पे आ जाइएगा, और यहाँ पे बर्ड का सिंबल भी आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने आप ले लिया बर्ड इमेज, ऐसे बहुत सारे बर्ड का भी इमेज मिल जाएगा, ऐसे इसको ले लीजिएगा, और यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव करिएगा तभी हो पाएगा। जैसे कि ये वाला हम ले लेते हैं, राइट क्लिक करिएगा, यहाँ से इस इमेज को यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, बर्ड्स के नाम से। डाउनलोड करने के बाद पुनः आ जाइएगा रिमूव बैकग्राउंड पे, और यहाँ से एक स्टेप बैक आइएगा, और यहाँ पे आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, और ये इमेज आपको मिलेगा कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। और किस नाम से मैंने सेव किया है? बर्ड्स के नाम से। इसको हम यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे सबसे पहले, देखिए जैसे ही ये इंसर्ट होगा तो इसकी बैकग्राउंड को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, हट गया ना। आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, आप डाउनलोड करने के बाद पुनः आप चले जाइएगा एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड पे, और स्लाइड पे आने के बाद पुनः आप इंसर्ट पे आ जाइएगा, और यहाँ से पिक्चर ले लीजिएगा, कहाँ मिलेगा? डाउनलोड्स में। आप यहाँ से बर्ड इमेज आपको मिल जाएगा, यहाँ से इंसर्ट करा लीजिएगा इसको। अब इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा बड़ा कर दीजिएगा। अब किस साइड आपको मूव कराना है, यहाँ से तो इस साइड लेके जाना है डायगोनल अप में, तो इसको भी सिलेक्शन करने के बाद इसको भी सिलेक्शन करिएगा, और सिलेक्शन करने के बाद आपको करना क्या है, एनिमेशन पे आना है, मोर मोशन पाथ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ वाले डायगोनल अप ले लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। अब इस इमेज को ऐसे खींचते यहाँ तक लेके आइएगा जहां तक ये बाहर आ जाए। अब इसकी भी टाइमिंग आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, सिलेक्शन किए रहिएगा, ऑन क्लिक को हटा के विद प्रीवियस दे देना है, और यहाँ पे टाइमिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे देना है। अब यहीं पे शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो एक साथ तीनों आपका मूवमेंट करेगा, देखिए हो जाएगा। तो ये हमारा एनिमेशन होता है। एनिमेशन में और भी एक ऑप्शन दिया, देखिए इसके बारे में हम बता दे रहे हैं, ट्रिगर का ऑप्शन दिया है, और ट्रिगर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो जैसे कि मान के चलिए कि कुछ किट्स वगैरह का, मतलब आपको जो है कुछ इमेज वगैरह लगा करके आपको बनाना हो, जैसे कि मान के चलिए कि एप्पल का सिंबल लगा करके फॉर एप्पल वगैरह बनाना हो, इस तरीके से अल्फाबेटिकल के क्रम में बनाना होता है, इसके लिए ट्रिगर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आप ट्रिगर के माध्यम से कोई जो है आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कैसे क्या करना होगा देखिए मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, देखिए
ऐसे किड्स वॉलपेपर बहुत सारा आ जाएगा, यहाँ से कुछ किड्स वॉलपेपर आप यहाँ पे ले लीजिएगा, जैसे बहुत सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए जैसे मैंने इसी को इंसर्ट कर लिया, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं राइट क्लिक करके, इसको आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा सेव इमेज एज पे आकर। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐसे ही बहुत सारे वॉलपेपर आपको मिल जाएंगे, ये वॉलपेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा सबसे पहले। ऐसे बहुत सारा मिलेगा, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग समझने के लिए। देखिए इसके बाद से आपको करना क्या है, यहाँ पे एक नया स्लाइड ले लीजिएगा कंट्रोल एम से, इसके बाद से आपको आ जाना है सबसे पहले डिजाइन टैब पे। डिजाइन टैब पे आने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा फॉर्मेट बैकग्राउंड पे, और यहाँ से पिक्चर एंड टेक्सचर पे आना है, और यहाँ पे फाइल के माध्यम से उसको सिलेक्शन कर लीजिएगा जो इमेज आपको लगाना है। डेस्कटॉप पे आ जाइए, और यहीं से मैंने डाउनलोड करके रखा है, इसको मैंने यहां से इंसर्ट करा दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद आप क्या करिएगा, पुनः आप गूगल क्रोम पे आइएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, देखिए इसको लिख लीजिएगा एप्पल इमेज, कोई भी एक इमेज आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जेपीजी में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इमेज ऐसा हो जो जेपीजी में हो, बाद में आप उसको हटा लीजिएगा बैकग्राउंड। देखिए बार बार डिस्टर्ब कर रहा है क्या, यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिएगा सबसे पहले इमेज को, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड आपको हटाना होगा, इसलिए मैंने इसको इंसर्ट करा लिया। इसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे एक और इमेज ले लीजिएगा, एक यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा बॉल इमेज, ऐसे ए से लेकर के आपको जेड तक बनाना होगा। मैं दो तरीका आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि एप्पल और प्लस बॉल वाला हम बता दे रहे हैं, बाकी आप जेड तक बना करके चेक करिएगा, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे जब डाउनलोड हो जाएगा तब आप यहाँ पे आइएगा, ठीक है? देखिए सबसे पहले करना क्या है, इंसर्ट टैब पे आइएगा और यहाँ से पिक्चर पे आइएगा और ये डाउनलोड होकर के डाउनलोड वाले ऑप्शन में मिलेगा। पहले यहाँ से आप एप्पल को यहाँ इंसर्ट करा लीजिए, ठीक है? इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। पुनः इंसर्ट पे आइएगा, पिक्चर पे आइएगा और यहाँ से बॉल को भी यहाँ से इंसर्ट करा लेना, इसको भी थोड़ा सा राइट साइड में लेके आइए, ठीक है? अब देखिए करना क्या है, इंसर्ट पे आइएगा सबसे पहले, इमेज को सिलेक्शन करना है, इसके बाद आपको आ जाना है इंसर्ट टैब में, सॉरी एनिमेशन टैब पे आना है। इमेज को सिलेक्शन करने के बाद एनिमेशन पे आना है और यहाँ से एनिमेशन आप ले लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ से बाउंस वाला इमेज ले लिया, बाउंस वाला एनिमेशन, यहाँ से बाउंस वाला एनिमेशन दिया है ना, यही वाला एनिमेशन आप ले लीजिएगा, ऐसे मूव करते हुए आएंगे, ठीक है? जैसे ही आप एनिमेशन आप लगाएंगे तो ट्रिगर ऑप्शन हाईलाइट होकर के आ जाएगा, इस ट्रिगर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऑन क्लिक ऑप्शन पे आइएगा और यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, अभी नहीं, अभी पहले इसको हटाते हैं। पहले इसमें आपको लेना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स, पहले इसको हटा दीजिए। देखिए पहले आपको इंसर्ट पे आना है, ठीक है? और यहाँ पे ले लीजिएगा वर्ड आर्ट, ये वाला वर्ड आर्ट आप ले लीजिएगा, इसमें आप लिख लीजिएगा पहले ए फॉर एप्पल, ठीक है? इसको सिलेक्शन करके इसकी फॉन्ट को आप चेंज कर लीजिएगा, यहां से मैंने एरियल ब्लैक वाला फॉन्ट ले लिया। इसी का एक और डुप्लीकेट कंट्रोल डी से बना लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी फॉर बॉल हो जाएगा, ठीक है ना? अब इसके बाद से देखिए करना क्या, सबसे पहले इमेज पे क्लिक करिएगा और तब जाके एनिमेशन पे आना और यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि मैंने बाउंस वाला इमेज ले लिया, एनिमेशन मैंने बाउंस वाला ले लिया, इसके बाद से ये ट्रिगर वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, इस पे क्लिक करिएगा, ऑन क्लिक पे आइएगा और यहाँ पे आपको ले लेना है रेक्टेंगल नंबर 3, इसके लिए पुनः इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे पुनः एक बाउंस वाला और ले लीजिएगा, ये बाउंस वाला दिखा है ना मैंने कैसे लिया, बस सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से बाउंस आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब इसके लिए पुनः ट्रिगर पे आकर के और यहाँ पे ले लीजिएगा रेक्टेंगल नंबर 4, इतना करने के बाद इसके बाद से शिफ्ट प्लस F5 दबाइएगा। देखिए अभी कुछ इमेज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लेके जाएंगे तो एरो, देखिए यहाँ पे फिंगर बन रहा है, बस इस पे क्लिक करेंगे तो एप्पल का फिगर आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो बॉल का फिगर आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही आपको जेड तक बनाना है, बनाइए लैब में जाके, ठीक है? आज नहीं हो पाएगा तो कल तक कंप्लीट होगा ना, कल तक बनाइएगा, कोशिश करिए आप लोग पहले, ठीक है?